रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। फादर डिमेलो की घबराई नजर इस वक्त चारों ओर घूम रही थी। अमंत्रित जल से वो पूरे घर पर छिड़कते जा रहे थे और उसके साथ साथ उनके दो साथी बाइबल के आयतें पढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे वो घर से बाहर की तरफ निकले और उसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। साकल पे एक बड़ा सा ताला और उस पर ढेर सारे अभिमंत्रित क्रूज बांधने के बाद वो घर के बाहर की ओर आए। बाहर की नई दीवार अभी अभी बनी थी जिस पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगाया गया था। लोहे के गेट को बंद करके भी उन्होंने मंत्र पढ़े और उसके बाद उस गेट पर भी ढेर सारे क्रूस लगा दिए। अब वे निश्चिंत हैं, पापी जादूगर की आत्मा अब इस घर में बंद। अब बस प्रयास ये करना है कि कोई भी बाउंड्री वाल कूद कर अंदर ना जाए। आदिवासी बहुल जंगल का इलाका जहां पर रहते हैं सीधे साधे आदिवासी जो प्रकृति का दोहन करके अपना जीवन यापन करते हैं। सरकारी प्रयासों से उनके जीवन को सुधारने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए उन्हें शहरों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, मगर आज भी कुछ ऐसे अध्याय इन इलाकों में हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। इन्हीं में से एक अध्याय है जादूगर क्रिस्टोफर का। कहते हैं आज से करीब 100 साल पहले जादूगर क्रिस्टोफर इस इलाके में आया था। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर था जिसने अपने जादू के नए नए खेलों से लोगों में रोमांच पैदा किया हुआ था। पर वास्तविकता और सच्चाई ये है कि जादूगर क्रिस्टोफर एक काला जादू करने वाला इंसान था जिसने भूत प्रेत शैतान आदि को अपने वश में किया हुआ था और इन्हीं के जरिए वो अपने अजीबोगरीब खेल दिखाता था जो दूसरे कोई भी जादूगर नहीं कर पाते थे। मगर उसकी ताकत पाने की भूख बढ़ती गई और फिर उसने शुरू किया शैतान की भक्ति का खेल, और इसके लिए उसे चाहिए था एक शांत निरापद इलाका जहां पर वो अपने पाप कर्मों को अच्छी तरह से चला सके। और उसके लिए चुना उसने आदिवासी बहुल जंगली इलाके में यह घर। हालांकि यहां से गांव थोड़ी दूरी पर ही था इसलिए उसे पूर्णतः एकांत मिल गया था, पर उसके इस घर में आने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव से आए दिन बच्चे गायब होने लगे। खुली जगह और खेलने के लिए उपलब्ध वातावरण की वजह से गांव के बच्चे यहां खेलने आते थे, मगर यह देखा गया कि जब भी बच्चे अपने साथियों से अलग होते गायब हो जाते। गांव के कई घरों से बच्चे इस तरह से गायब हो चुके थे। माओं का बिलक बिलक के बुरा हाल था। पुलिस ने भी काफी खोजबीन करने की कोशिश की क्योंकि आदिवासियों का मामला था, सरकार की तरफ से प्रेशर था, मगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्चे गायब कहां होते हैं। और एक दिन पता चला वो बच्चे जादूगर के मकान तक जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद तो जैसे गांव वाले टूट पड़े थे उस घर पर, और जैसे ही वो अंदर गए वहां का दृश्य देखकर वो घबरा उठे थे। फिर जादूगर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। मरने से पहले अंतिम इच्छा के रूप में उसने कहा था कि उसकी लाश को उसके घर के अंदर ही दफन किया जाए और कब्र के ऊपर उसकी एक मूर्ति लगा दी जाए ताकि लोगों के लिए निशानी रहे कि उससे दूर रहना है। मरने वाली की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इसी अनुसार
सरकार ने भी ऐसा ही किया और इसके साथ ही जादूगर का आतंक गांव से खत्म हो गया। कुछ एक सालों तक परिस्थितियां ऐसी ही चलती रहीं, मगर फिर आश्चर्यजनक रूप से बच्चों का गायब होना शुरू हो गया और लोगों का शक जादूगर के इसी घर पर गया, क्योंकि उधर खेलने वाले बच्चे ही गायब हो रहे थे। तब सबने पास्टर के पास जाकर प्रार्थना की और सलाह मशवरा किया। पास्टर ने भी अंतिम निर्णय यही बताया कि शायद मरने के बाद भी जादूगर की आत्मा मुक्त नहीं हुई है, वो भटक रही है और आज भी अपने कुकृत्यों में लिप्त है और इसीलिए बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव वालों के साथ निर्णय लिया गया कि जादूगर के घर के चारों ओर ऊंची बाउंड्री वॉल बना दी जाए और उसे अभिमंत्रित करके उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद कर दिया जाए। आज वही प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे कई साल बीत गए। गांव वालों में अब जादूगर का डर धीरे धीरे गायब होने लगा था। बच्चे भी उस मैदान में खेलते जरूर थे, मगर बाउंड्री वाल के पार कोई भी नहीं जाता था। सबको कड़ाई से निर्देश था, कोई भी उस बाउंड्री वाल को पार नहीं करेगा। समय के साथ साथ हर वस्तु बिखरती जाती है। जादूगर के उस घर का भी यही हाल था। कांच लगी खिड़कियां टूट चुकी थी, उनमें से कई में से तो चौखट निकलकर भी लटक रहे थे। बाहर का बाउंड्री वॉल भी काफी हद तक गिर चुका था, मगर फिर भी लोग आज भी उस तरफ जाने में डरते थे। केवल लोहे का वो दरवाजा और उसमें लगे अभिमंत्रित क्रॉस आज भी उस घर की रक्षा कर रहे थे। गाड़ी डाक बंगले के सामने आकर रुकी। फॉरेस्ट ऑफिसर डिमेलो और उनकी पत्नी लीसा गाड़ी से उतरे। फॉरेस्ट ऑफिसर डिमेलो की पोस्टिंग अभी कुछ दिन पहले ही यहां हुई थी। सभी इस जगह शिफ्ट हुए थे। डिमेलो के दो जुड़वा बच्चे थे, रॉनी और रॉकी। बंगला काफी सुंदर था। यही नहीं, ऊपर एक बड़ा सा कॉरिडोर जैसा था। इसी कॉरिडोर के ठीक सामने एक बड़ी सी बालकनी थी। सफर से थके होने की वजह से सब लोग खाना खाकर सो गए थे। शाम को लीसा बालकनी में खड़ी थी। अचानक दूर एक पुराने मकान को देखकर उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी। ऑफिसर डिमेलो इस वक्त उनके पीछे आकर खड़े थे। उन्हें अपने बाहों में भरकर बोले, तो मैडम कैसा लगा आपको ये डाक बंगला? अब कम से कम एक साल तो हमें यहीं रहना है। बंगला तो काफी अच्छा है, मगर वो क्या है? वो पता नहीं, गांव वालों के अंधविश्वास का परिणाम। कहते हैं एक समय वहां पर कोई जादूगर रहता था जो तंत्र मंत्र वगैरह किया करता था। हाँ, आजकल खंडहर है। लोगों ने न जाने क्या क्या वहां के बारे में बात फैला रखी है। तुम तो समझती ही हो ऐसे सुनसान वीरान जगहों पे क्या होता है। चल रहे होंगे किसी तरह के स्मगलिंग वगैरह के काम। देखता हूँ कभी रेड मारने की जरूरत पड़ी तो रेड जरूर मारूंगा। खैर हमको उससे क्या। हाँ, हमारे इन शैतानों को जरा उधर जाने से रोकना। देखो मैं ये सब बातें नहीं मानता, मगर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वाह कितनी बड़ी जगह है। हाँ हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल सकेंगे। अचानक रानी और रॉकी की आवाज से दोनों चौंक पड़े। नहीं यहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। अरे तो फिर ठीक है, नीचे वो वाली जो जगह है वहां खेलेंगे। बिल्कुल नहीं, वहां पर इतने सारे फूल के पौधे हैं, तुम लोग क्रिकेट खेलकर सब कुछ बर्बाद कर दोगे।
ओ, तो फिर हम लोग कहाँ खेलें? यहाँ तो खेलने के लिए जगह ही नहीं है। कोई खेलकूद नहीं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, होमवर्क जरूरी है। अचानक ही ऑफिसर डिमेलो ने बच्चों की तरफ देखकर आंख मारी और बोले, अरे पढ़ाई पढ़ाई दिन भर क्या, कुछ खेलकूद भी होना चाहिए। अब तक लीसा ने भी डिमेलो की हरकत को देख लिया था। उसने कहा, तुम इनका सपोर्ट मत करो, ठीक है, पहले पढ़ाई। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक दोनों भाई कॉरिडोर में क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं पर रखा एक बड़ा सा गुलदस्ता बॉल लगने से टूट गया। इस पर लीसा ने रॉनी को बुरी तरह से डांटा। वो मुंह बिचकाए बालकनी में खड़ा था। रॉकी पीछे से उसके पास आया। दोनों भाई जैसे दो जिस्म एक जान है, एक दूसरे से बेहद प्यार करते, एक दूसरे के साथ खेलते, मगर शैतानियां भी करते थे। रॉनी थोड़ा डरपोक किस्म का था, जबकि रॉकी काफी हिम्मती और दिलेर था। सारी बदमाशियां वही करता और नाम डाल देता रॉनी पर। रॉनी भी मां की डांट चुपचाप खा लेता ताकि उसके भाई को डांट ना खानी पड़े। रॉकी पीछे से आकर बोला, कैसा मजा है मम्मी की डांट खा के। देख, तुम उससे बात मत कर, आज के बाद ना तो मैं तेरे साथ खेलूंगा और ना ही बात करूंगा, जा अकेले जो करना है कर। अरे ठीक है, मैंने तो एक बहुत अच्छी योजना बनाई थी, मगर तुम्हें नहीं खेलना है तो मत खेलो। क्या? वो देखो। रॉनी ने दूर मैदान की तरफ इशारा किया। वहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कितनी बड़ी खुली जगह है, वहां जाकर खेलेंगे तो मम्मी डांटेगी भी नहीं, घर में सामान भी नहीं टूटेगा और पेड़ पौधे भी खराब नहीं होंगे। रॉकी को भी बात जम गई। दोनों ने तय किया मां की नजर बचाकर चुपचाप वहां खेलने जाना है। उस दिन घर के कामों से लीसा काफी थक गई थी, इस वजह से दोपहर को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। दोनों भाइयों के लिए यह स्वर्णिम समय था। चुपचाप स्टंप और बैट और बॉल उठाकर दोनों दौड़ चले मैदान की तरफ। वहां पर खेल रहे आदिवासी बच्चों ने भी उन्हें सहर्ष अपने साथ खिलाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि इतने अच्छे स्टंप बैट बॉल मिलने पर कौन नहीं खेलना चाहेगा। खेल अच्छा खासा जम रहा था कि तभी अचानक रॉनी ने एक जोरदार शॉट मारा और गेंद उस खंडहर के बाउंड्री को पार करती हुई टूटी कांच की खिड़की के अंदर जा गिरी। अचानक ही जैसे जैसे हलचल से मच गई। सारे बच्चे खेल छोड़कर गांव की तरफ भाग गए। ये क्या हुआ? दोनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया, मगर मुश्किल ये थी कि अगर बिना बॉल लिए घर जाएंगे तो मां को यह पता चल जाएगा कि वो लोग यहां खेलने आए थे। अब क्या करें? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे यार, तू तो बस डरता ही रह, कुछ नहीं होगा, क्या है, कोई तो नहीं रहता है यहाँ, चुपचाप जाएंगे बॉल ले आएंगे। और सोच, अगर माँ को पता चला कि हमारी बॉल यहाँ गई है तो क्या हाल होगा? बॉल डांट खा लेंगे, मगर डांट नहीं अच्छी खासी मार पड़ेगी, मम्मी ने ऐसे भी इधर आने के लिए मना किया था। चलना, चुपचाप बॉल ले आते हैं और घर चले जाते हैं। दोनों भाई चुपचाप बाउंड्री वॉल कूद कर घर के आंगन में आ गए। चारों ओर बड़े बड़े झाड़ पेड़ों के बीच से किसी तरह से होते हुए वो उस खिड़की तक पहुंचे। अंदर सूरज की रोशनी घर को रोशन किए हुए थे। पहले रॉकी खिड़की से कूदकर अंदर गया। रॉनी अभी भी डर रहा था। रॉकी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अंदर बड़ा सा कमरा था जिसके एक कोने पर एक अजीबोगरीब मूर्ति लगी थी। ऐसा लगता था किसी जादूगर की मूर्ति हो। कोट पहने, सिर में हैट पहने, हाथ कोट की जेब में। उन्होंने आसपास देखना शुरू किया। घर की हालत काफी खराब थी। चारों ओर से प्लास्टर इधर उधर टूट रहे थे। छत के भी कई हिस्से टूट कर गिर गए थे, मगर बॉल कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक
घर के बीचों बीच से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। रॉकी उस ओर बढ़ चला। रॉनी ने उसे रोका, रॉकी रुक जा, घर चलते हैं। अरे क्या बात करता है, वो नीचे ही बॉल होगी, मैं भी लेकर आता हूँ, तू यहीं रुक। कहकर रॉकी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मगर जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। घर का यह हिस्सा दूसरे हिस्सों से जरा अलग ही था। काफी सजा धजा, जमीन पर लाल रंग की कारपेट बिछी थी, आसपास काले रंग के पर्दे थे, कुछ और सामान असबाब के साथ साथ एक बड़ा सा टेबल था जिस पर हाथों में पहनने वाला ग्लव्स और जादू की छड़ी रखी थी। यह हिस्सा ऐसे साफ सुथरा और सजा हुआ था जैसे जैसे कोई यहां पर रहता है या आता जाता है। पहले रॉकी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मगर फिर अपना ध्यान उसने बॉल खोजने में लगाया और तभी वो आश्चर्यचकित हो उठा। उस टेबल के ठीक पास ढेर सारी टेनिस बॉल पड़ी हुई थी। रॉकी ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें गिना, करीब 23 बॉल थी। उनमें से अपनी बॉल वो ढूंढने लगा, मगर जब उसे न मिली तो चुपचाप एक बॉल उठाकर ऊपर की ओर जाने लगा। इधर ऊपर खड़े रॉनी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अचानक ही कमरे में अजीब सी सरसराहट और किसी तरह के मंत्र बुदबुदाने की आवाज आने लगी थी, और हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। और तभी उसने देखा जादूगर की मूर्ति के जेब में पड़े वो पत्थर के हाथ अचानक ही बाहर निकल आए थे, और इसके साथ साथ मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक उसे दिखाई दी, जिसे देखकर उसके पांव कांप उठे। वो तेजी से सीढ़ी से नीचे की तरफ दौड़ा। तब तक रॉकी भी गेंद लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, और उसके कानों में भी वही मंत्र की बुदबुदाहट और हंसी की आवाज पड़ी। अचानक ही रॉनी को अपने पास आते देख के वो चौंक पड़ा, और तभी आश्चर्यजनक तौर पर वहां पर खुला हुआ दरवाजा बंद हो गया। चौंक पड़े थे दोनों भाई, उस कमरे में वो बंद हो गए थे। ये क्या हुआ, इस तरह से सुनसान वीरान पड़ा कमरा अचानक इस तरह से कैसे हो सकता है। दोनों बहुत भयभीत हो गए और इधर उधर देखने लगे किधर से यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता। तभी अचानक उनकी नजर एक तरफ से आ रही रोशनी पर पड़ी। दोनों उस तरफ दौड़ पड़े, समझ में आया वहां से कोई गेट है जो शायद बाहर की ओर जाता है। दोनों भाई तेजी से दौड़ रहे थे, अचानक ही हंसी की आवाज और तेज हो गई। दोनों खिड़की के पास पहुंचकर बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक हाथ ने दोनों के कोहनियों को पकड़कर जोरदार झटका कमरे के अंदर की तरफ मारा। कमरे में दो बॉल टप्पा खाते हुए धीरे धीरे शांत हो गए। कमरे में अब 23 बॉलों की जगह बॉलों की संख्या 25 हो गई थी।